Uh, खुश करना चाहते हैं। And, uh, serving, हमारी सेवकाई में हम परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं। And, uh, uh, और वही हमारे हृदय के गहराई में है interest, when we, when we God, और यही हमारी इच्छा है एंड इट्स इंटरेस्टिंग जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं that God gives certain perspectives अबाउट मिनिस्ट्री परमेश्वर सेवकाई के लिए कुछ खास दृष्टिकोण हमें देते हैं ही गिवस सर्टन पिक्चर्स अबाउट चर्च एंडस्ट्री कई बार कलिसिया का और सेवकाई का चित्री और अलग अलग तरीके से परमेश्वर भी करते हैं और कई बार जब हम उन चित्रणों को देखते हैं रीड अबाउट दोज डिस्क्रिप्शन और जो परमेश्वर व्याख्यात्मक तरीके से हमें दिखाते है जब हम उसको देखते हैं वी अंडरस्टैंड ओके this is how I need to do ministry you know, it gives us insight into how ministry must be done you know, for example the in, in the Word of God we see that okay the 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 church we are the body of Christ and then we understand okay every member is like the part of the body. और फिर हम देखते हैं कि उसमें हर एक व्यक्ति जो है वो अलग अलग अंग है एंड देयरफॉर द बॉडी नीड्स एवरी मेंबर और इसलिए उस शरीर को देह को हर एक uh, अंग की आवश्यकता है सो दैट गिव्स अस अ पर्सपेक्टिव तो उसके द्वारा हमें एक दृष्टिकोण प्राप्त होता है द बाइबल आल्सो सेज दैट यू नो द द चर्च इज द हाउस ऑफ गॉड और बाइबल ऐसा बताती है कि कलीसिया जो है वो परमेश्वर का घर है सो वी अ डिफरेंट इनसाइट तो उसके द्वारा हमें एक दूसरा चित्रण मिलता है हाउस और फैमिली एक घराना कैसा होता है एक परिवार कैसा होता है इन सिमिलर वे इसी प्रकार से इन फर्स्ट पीटर टू एंड वर्स फाइव पहला पत्रस उसका दो अध्याय और उसका पांच पद द बाइबल डिस्क्राइब्स अस एज दिस इस प्रकार से हमें बताती है you know, आइए हम लोग पहला पत्रस उसका दो उसका पत दो अध्याय okay. और और पांच पद देखेंगे। वहाँ पर ऐसा लिखा है कि तुम भी एक जीवित पत्थर के समान आत्मिक घर बनते जाते हो अलीस्टूड और तुम एक महायाजक पवित्र महायाजक हो टू ऑफर अप स्पिरिचुअल ताकि तुम परमेश्वर के लिए आत्मिक बलिदानों को दे सको एक्सेप्टेबल टू गॉड थ्रू जीजस जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो सो ईज डिस्क्राइबिंग द बिलीवर्स यू आर लिविंग स्टोन सो वह विश्वासियों के बारे में बता रहा है कि तुम एक जीवित पत्थर हो And these stones are put together to build a spiritual house. And this house, this holy priesthood, is with one purpose and one, one goal that is to offer up spiritual sacrifices and to God. House. So, which means that God is using us, people, as living stones. उस इसका मतलब है कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें बना रहे हैं जीवित पत्थर ताकि हम उसके ग्रहण योग्य बलिदान चढ़ा सके मेटीरियल टू बिल्ड अ फिजिकल हाउस जैसे हम लोग सांसारिक चीजों में देखते हैं किस तरह से घर को बनाने के लिए अलग अलग सामग्री का प्रयोग होता है गॉड इज बिल्डिंग परमेश्वर उसी प्रकार जो है आत्मिक घर बना रहे हैं

लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर सीनियर पास्टर हैं आपने कलिसिया रोपण किया है एंड गॉड इज सेइंग यू नो यू आर एक्चुअली बिल्डिंग अ स्पिरिचुअल हाउस अब परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप वास्तव में आत्मिक घर का निर्माण कर रहे हैं एंड द पीपल आर द लिविंग स्टोन्स और जो लोग उसमें हैं वो जीवित पत्थर हैं Now, something about living stones. और जीवित पत्थर के विषय में एक बात है, है उसका निर्माण करता है तो वो वहाँ पर बना रहता है अगले दिन जब आप वहाँ जाते हैं तो आप आशा करते हैं की वो पत्थर वहाँ पर बना रहेगा बट वी आर डीलिंग विदिंग स्टोन लेकिन हम जीवित पत्थरों के साथ डील कर रहे हैं Which means that living stones move. इसका मतलब है कि अगर वो जीवित पत्थर है तो वो इधर उधर चल फिर सकते हैं दूसरे स्थान पर चल सकते हैं लिविंग स्टोन ग्रो अप और जीवित पत्थर का मतलब यह है कि वो पढ़ भी सकते हैं एंड दैट मूवमेंट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दे ग्रोथ और यह जो इधर उधर घूमना uh, फिरना है वो उनकी उन्नति के कारण हो सकता right? है सो दे ग्रो फ्रॉम फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ फ्रॉम इमेच्योरिटी टू मेच्योरिटी तो वे लोग जो है सामर्थ्य से सामर्थ्य की ओर बढ़ते हैं और कई बार अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं सो इफ वी वर टू टू हैव गॉड्स पर्सपेक्टिव वी शुड नॉट बी ट्रबल्ड बाय सी द लिविंग स्टोन्स ग्रो और इसलिए यदि परमेश्वर का दृष्टिकोण हमारे अंदर होगा तब जीवित पत्थर अगर आगे भी बढ़ रहे हैं ऊंचा उठ रहे हैं तो हमें परेशानी नहीं होगी

और जब हम इस बात को समझ जाएंगे तो फिर हम हमेशा शांति से रहेंगे। uh, okay, you know, हाँ मैं इन जीवित पत्थरों को एक साथ रखूंगा Now, why are we at all this? और हम लोग इन सब चीजों को क्यों देख रहे हैं जो ये जो टॉपिक है इन तीन दिनों के लिए वो एक प्रकार से आत्मिक शिष्यता में बढ़ाने के विषय में है सो एज एन इंट्रोडक्शन टू दैट और इसके परिचय के रूप में वी आर लुकिंग एट ऑल दीज पिक्चर अबाउट दर्च और हम लोग इन चित्रणों को देख रहे हैं जो परमेश्वर ने कलिसिया के विषय में हमें दिया है Amen.

फिर एक पिक्चर यहाँ पर हमें और यहां पर एक भवन का चित्र पिक्चर ऑफ और एक खेत का यहाँ पर चित्रण है चित्रॉड so, कह रहा है कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं हम उसके साथ काम करने वाले हैं एंड इज एड्रेसिंग दुरंत इन चर्च एन इज से वो कुरुत की कलिसिया को कह रहा है की तुम परमेश्वर की खेती हो भूमि हो राइट right?

Uh, अलग अलग पहलुओं को देखते हैं मे बी द पक्ष को देखते हैं संदेश कैसे तैयार करना है और कई बार ऑर्गेनाइजेशन के दृष्टिकोण से हम चीजों को देखते हैं बी यू नो अबाउट द बिल्डिंग एंड अबाउट लैंड एंड ऑल दैट और बिल्डिंग हो गई जमीन हो गई एंड वी माइट गेट इन टू द इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री और uh, सेवकाई से संबंधित जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में हम सोचते हैं कई बार सेवकाई को बढ़ाने के लिए जो प्रमोशनल काम हम करते right? हैं times, energy, और कई बार इसमें हमारी पूरी शक्ति चली जाती है एंड इट इज गुड और ये अच्छा भी है बट दिस ऑल्सो माई टेक लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारा पूरा ध्यान केवल इन्हीं चीजों के बीच में फंस जाए वे

People welcome us on uh, stage और लोग स्टेज पर हमारा स्वागत करें and you know we, we we get so caught up in all that और हम इन चीजों में इतनी बुरी तरह से फंस जाते हैं you know uh, please don't get me wrong you know these are necessary things आह मुझे गलत मत समझिए ये आवश्यक चीजें हैं and especially in today's uh,

लोग परमेश्वर का भवन है right. so तो ये दृष्टिकोण हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं मिनिस्ट्री अबाउट पीपल में है। और दूसरी बात जो पर हम देखते हैं you know, हम कभी भी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये मेरा कलिसिया है मेरा सेवकाई है right. here, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लिखा है कि तुम परमेश्वर की खेती हो विच मीन पॉल सेड You know the Corinthian church is my church. He's saying hey, you are God's God's property. बल्कि उसने कहा कि तुम परमेश्वर की प्रॉपर्टी हो आई सेइंग यू आर गॉड्स फील्ड गॉड्स बिल्डिंग तुम परमेश्वर की खेती हो परमेश्वर का भवन हो एंड इन फैक्ट इन फर्स्ट पीटर द लास्ट चैप्टर और पहला पत्रस उसके आखिरी अध्याय में तो इस प्रकार से लिखा uh, है फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 एंड वर्स 2 पांच अध्याय दो पद पहला पत्रस पांच अध्याय दो पद पीटर राइट्स एंड ही सेड शेपरड द फ्लॉक ऑफ गॉड और वहां पर इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर uh, के Uh, परमेश्वर की भेड़ो की, की रखवाली इस प्रकार से करो शेपर अमंग यू परमेश्वर की जो भेड़े तुम्हारे बीच में है, उनकी रखवाली करो राइट मीन फ्लॉक ऑफ गॉड बिलोंग्स मतलब है कि वो ये कह रहा है कि जो लोग हैं वो परमेश्वर के लोग हैं सो द पीपल ओवर होम गॉड एज अपड एसर सी नॉट आर प्रॉपर्टी तो जिन लोगों के ऊपर परमेश्वर ने हमें अगुए के रूप में रखा है वे हमारी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है वेल यस अस सो देस परमेश्वर ने हमें रखा है अगुए के रूप में ताकि हम आत्मिक रूप से उनकी देखरेख करें

और सबसे पहले उसकी मिट्टी को हमें तैयार करना पड़ता you know, है उसको जोतना पड़ता है उसमें से the, पत्थर को निकालना है

You know, ploughing, watering and everything, uh, nurturing that needs to be done in order for people to be built up and to be fruitful. So iska Matlabheki agar Logo Kohame Tear Karnahe Unko mazbut Karna hai, to se paleos bumi kohame jotna hoga bona hoga usko botpadak banana hoga. And and that is the expectation also. और यही हमसे उम्मीद की जाती है और और यही हमारी ज़िम्मेदारी right? भी है है एक बात और वो कहता है कि तुम परमेश्वर का भवन हो so building, you know, around, ये buildings को हम अपने चारों ओर देखते हैं it did not just by और ऐसा नहीं है कि अपने आप अपने अस्तित्व में आ गए हैं डिजाइन you know, किसी ने इसकी डिजाइन बनाई है और तमाम सामग्री लाई गई थी होंगे खिड़कियां होंगी एक योजना था एक उद्देश्य था सो सिर इज यू आर गॉड्स बिल्डिंग और इसी तरह से पॉलिस कहता है की तुम परमेश्वर का भवन हो

और मुझे लगता था वही सेवकाई है यू नो यू गेट अप ऑन द संडे यू गो एंड प्रीच आप रविवार को बस खड़े होइए और जाइए प्रचार कीजिए एंड देन यू यू कम डाउन एंड यू गो और फिर आप वहां से चले जाइए द नेक्स्ट संडे यू डू दैट अगेन और अगले रविवार को आप फिर ऐसा कीजिए बट वी गेट अ टोटली डिफरेंट पिक्चर हियर लेकिन यहां पर हम देखते हैं एक बिल्कुल अलग तरह का हमें चित्रण मिलता in Paul है इन पॉल डिस्क्राइबिंग

In other words, needs to be a nurturing community. So, हमारी जो कलीसिया है, वो एक ऐसे uh, समाज के रूप में विकसित होना चाहिए, जो एक दूसरे का पोषण करने वाली हो. Where everybody is nurturing each other. जहाँ पर हर व्यक्ति एक दूसरे को पोषण प्रदान कर Where रहा है. Where there is mentoring and coaching. जहाँ पर हम दूसरों को प्रशिक्षित कर रहे हों। And why do we want to do that? और आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? So that people can be built up. ताकि लोग मजबूत हो सके पीपल डोंट रिमेन वे दे आर ताकि लोग उसी स्थान में बने ना रह सके जहां पर वो पहले थे you know, they, they वे प्रभु को जान जाए They, understand their call. they discover the giftings of God। और फिर वो के, जो वरदान है उसको समझ सके uh, they go deeper in the Word of God। और फिर वो परमेश्वर के वचन की गहराई में And get in the spiritual disciplines। और फिर वो आत्मिक जो अनुशासन है उसमें वो Uh, स्थिर हो सके एंड स्टार्ट सर्विंग एंड मिनिस्टरिंग एंड हेल्पिंग वन और फिर वो एक दूसरे की सेवा करना शुरू करें एक दूसरे की मदद करना शुरू करें दैट्स गॉड्स डिजायर और यही परमेश्वर की इच्छा है गॉड्स डिजायर इज नॉट दैट पीपल कम लिसन एंड गो बैक सेम वे परमेश्वर की इच्छा ये नहीं कि बस लोग आए सुने और फिर वापस बिना बदले चले गए स्टोन क्यूँकी जीवित पत्थर है दिस इज गॉड्स फील्ड और ये परमेश्वर की खेती है दिस इज गॉड्स बिल्डिंग ये परमेश्वर का भवन है सो गॉड्स डिजायर इज दैट पीपल आर बिल्ट अप

रहे हैं एंड हम उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं तो वो हमारी ओर से हमें लोगों को तैयार करना है हमें उनको प्रशिक्षित करना है हमें उन्हें कोच करना है कि वो आगे बढ़े टू बिल्ड अप एंड बी स्ट्रॉन्ग और वे उन्नति करें और मजबूत बने टू ग्रो अपू बी बी लाइक हमारे समान उन्नति करें और हो सकता है हमसे भी बेहतर बने राइट सो वॉटन एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वॉट गोज ऑन इन योर माइंड आपके मन में क्या चल रहा हो और हाउड यू फील आपको कैसा लगेगा इफ द पर्सन दैट यू आर बिल्डिंग अप यदि कोई व्यक्ति जिसको आप तैयार कर रहे हैं you know, you are,

काशन मिल रहा है थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद सर्विंग और वह व्यक्ति सेवा करना शुरू करता है मे that पर्सन इज सर्विंग एज अ

तुम तो बिल्कुल पर, पास्टर के समान प्रचार करते हो और you, फिर आप वही कलर का कपड़ा भी <laughs> पहनना शुरू कर देते हैं you know, you know, you're just, just like pastor. तुम बिल्कुल पास्टर पास्टर के समान हो। And pastor hears it. और को को। सुनने में आता है ये बातें। आप भी pastor. सुनते हैं इन बातों को। right. What do you feel? तब आपको क्या लगता है खुश महसूस करते हैं Or is there a sense of restlessness? या फिर आपके अंदर जो है कुछ अजीब सी भावनाएं उभार मारने लगती है वॉट इफ वन डे क्या होगा अगर एक दिन ही ओवरटेक्स मी की वो व्यक्ति जो है मेरे स्थान को ले लेगा राइट नाउ इज बिहाइंड मी अभी वो मेरे पीछे है आई एम ड्राइविंग

He's driving better. वो मुझसे भी बेहतर गाड़ी चला he's रहा है. He's going further. और वो बहुत आगे तक जा रहा है. I'm not able to go. और मैं तो नहीं बढ़ पा रहा हूँ. But he's going really fast. और वो बहुत आगे जा रहा है. What's in our heart? मेरे हृदय में क्या है? जो हमें पूछना जब हम जीवित पत्थरों के साथ डील कर रहे होतेउस और जब हम आत्मिक घरों का निर्माण कर रहे होते जब हम परमेश्वर के लोगों को पोषण प्रदान कर रहे होते होना ही है राइट

For us as believers, और एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर की जो काम ये मसीह करते हैं वो हम करपी अबाउट दैट और इसके लिए वो खुश होते हैं प्रभु ये मसीह जो हमारा उदाहरण है इसके लिए खुश है बिलीवर्साइबल्स

और वो कह रहे हैं कि ये मेरी भी इच्छा है that you will do the works that I do, कि तुम वह काम करोगे जो मैं करता हूँ तुम उससे भी बड़े काम करोगे इसका मतलब है कि यीशु मसीह बहुत आनंदित हैं जब लोग उनके समान और उनसे भी बढ़कर काम करते हैं no, मैं uh, मैं पूरी तरह से समझता हूँ कि वो बड़े काम क्या है But the Lord is happy. He's not angry. And He set an example for each one. Of us. So that should be our heart as well. But our heart should be for people. Because we understand that ministry is about people. And uh, ministry is also about people being built up. मतलब है लोगों का निर्माण करना और उन्हें इस तरह से तैयार करना की वो अपने जीवन में और आगे बढ़ सके आई हम एक थोड़ा समय के लिए रुकेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे

और ये समय लीजिए उन लोगों को आशीषित करने के लिए। you know, परमेश्वर मैं उन लोगों को करता और बार लोगों ने हमें चोट प्रभु कहते हैं कि तुम उन्हें आशीष ही दो यू नो यू तुम उनके ऊपर आशीष को रिलीज करो इन जीज यीशु मसीह के नाम अमेन 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 राइट so this is what we understand about god's heart for people and for ministry. so the question, you know, why should we build people? why should we coach or nurture and mentor people? so okay. the, the answer is twofold. the first thing is that we are called to do this. पहली बात यह है कि हमारी बुलाहट ही यही है हमें यही करने के लिए बुलाया गया है Now, when we see it in the word जब हम इसे वचन में देखते हैं we are convicted तब हम uh, उस बात को लेकर के कायल हो जाते right? हैं god जब हम वचन में देखते हैं तो कायल हो जाते हैं that, oh right thing. तब हम जानते हैं हाँ यही उचित है right? so the word of god says that we are called

अवॉइड uh, करना है या दरकिनार करना है चेले बनाने के लिए बुलाया गया है एंड एंड सेकेंड थिंग वाई शुड वी बिल्ड पीपल और दूसरी बात हमें लोगों को तैयार क्यों करना है बिकॉज देयर आर बेनिफिटिंग पीपल क्योंकि जब हम लोगों को तैयार करते हैं तो वो एक लाभ की बात है Right? There are benefits, there are good things that happen because we're building people. Okay. So, uh, first of all, uh, we, we, we can look at three reasons why. Okay. The benefits, the three iske, benefits. Iske teen labh kya okay. the, uh, the reason is that when we build people, we are nurturing and developing people spiritually. जब हम लोगों को तैयार करते हैं तो हम आत्मिक रूप से उनका पोषण कर रहे हैं उनको तैयार कर रहे हैं प्रशिक्षित okay. कर रहे हैं लेट्स टर्न टू 1 जॉन चैप्टर टू पहला यह उन्ना उसका दो अध्याय हम निकाल लें वर्सेस थर्टीन एंड फोर्टीन तेरह और चौदह पद इट्स uh, okay, I'll I'll just read in English and then brother will read 1 john chapter 2 verse 13 it says i write to you fathers because you have known him who is from the beginning i write to you young men because you have overcome the wicked one i write to you little children because you have known the father <laughs> हे hey लड़कों मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो ओके सो सो वी सी थ्री कैटेगरीज मेंशनड हियर सो यहां पर तीन अलग-अलग भाग हैं एंड वी सी रिपीट ऑफ दैट इन वर्स 14 एज़ वेल well. और फिर 14 पद में उसी बात की हम पुनरावृत्ति को भी देखते हैं सो ही इज़ टॉकिंग अबाउट फादर्स वहां पर पिता के विषय में बात कर रहा है ही इज़ टॉकिंग अबाउट यंग मेन जवानों के विषय में बात हो रही है एंड इज टॉकिंग अबाउट लिटिल चिल्ड्रन और फिर छोटे बच्चों के विषय में बात हो रही है। ऑल दिस इज इन द एनवायरमेंट ऑफ द चर्च और ये सब जो है कलीसिया के अंदर के जो माहौल है उसके विषय में बात हिम और वो कह रहा है पिता जो है है। वो तुमने परमेश्वर को जाना है. Man, और जवानों तुमने उस दुष्ट पर विजय पाई है saying, children, और फिर कह रहा है लड़को तुमने पिता को जाना है सो ही इज टॉकिंग अबाउट पीपल children.

जो uh, स्तर हैं उनके विषय में बात हो रही है। कुछ लोगों को वो इस तरह से से कह रहा है कि तुम आत्मिक रूप बच्चे हो एंड ओन you know, you can, you can okay, are some children. इमेजिन आप कल्पना कर सकते हैं आपकी सभा में कलीसिया में कुछ लोग होंगे maybe जो अभी are, छोटे बच्चों के समान होंगे maybe they are new believers, वो नए विश्वासी होंगे And they're full of zeal. और पूरी जोश के साथ भरे होंगे और वे प्रभु में उन्नति करना चाहते होंगे so और और वो वो वचन के लिए जो है इस समय भूखे होंगे फिर जवानों के विषय में कह लॉर्ड no, और ये वे लोग हैं जो काफी समय से प्रभु के साथ हैं एंड अगेन यू नो आई एम श्योर दैट

So, I'm sure you, you've seen some big families. The oldest is in college. Maybe the youngest one is just you know, getting into school. I don't or know, for jo example. Jo hoga, wo mein ja ga, ke mein. So, it is the responsibility of the college going child or college going children. So, you you know, to take care of some, some things in the house you know, take care of the washing of the clothes take care of maybe some aspects of cooking and even take yeah. care of the little ones right? the mother will say you know go ask that brother or and the household runs well Because people are taking responsibility. और एक घराना तभी अच्छे तरीके से काम कर सकता है जब सब लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाएं. Right? And so that's one of the benefits. और ये एक लाभ की बात है. When we nurture and develop people spiritually. जब हम लोगों को आत्मिक रूप से तैयार करते हैं. They are they are developed. They are built up. और वे लोग उन्नति करते हैं, वे लोग आगे बढ़ते हैं. And as part of being built up and developed. और जब हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं, Paul writes to Titus and 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 he says admonish and exhort. Uh, admonish and exhort. exhort. लोगों को चेतावनी दे और उनको उत्साहित भी उसके दो अध्याय में हम इस बात को देख सकते हैं और वहाँ पर जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे वो बात कर रहा है उसके दो पद में और फिर वहां पर जो बुजुर्ग महिलाएं है वो उनसे भी बात कर रहा है वो बता रहा है उन्हें उनको किस प्रकार का आचरण रखना है संयमी हो पवित्रता के साथ घर का कारोबार करने वाली हो भली और अपने पति के अधीन रहने वाली हो राइट सो एंड देन इन वर्स फोर और फिर चार द यंग दुमेन वो कह रहा है जवान स्त्रियों को चेतावनी दे

उदाहरण अच्छा है यहाँ पर किसी को अनुशासित करने से ज्यादा बढ़कर ये बात It means also to teach and train and to urge। इसका मतलब है कि हम उन्हें शिक्षा दें उन्हें सिखाएं, उन्हें समझाएं young man जवानों को उत्साहित कर एंडी टू और वहाँ पर जो ग्रीक भाषा का शब्द है उसमें बुलाना है उनके साथ रहना है और उनको उत्साहित करना है do this to the men and the and the women, all the women to admonish and encourage. The women. और ये बहुत ही स्वस्थ और बहुत ही अच्छा एक तरीका है जिसमें जो पुरुष है वो पुरुषों को और जो महिलाएं हैं वो महिलाओं के साथ जो है सेवा करें राइट सो वेन इज ऑफ स्ट्रेंथ और there's जब ऐसा होता है a lot of strength, तो उसमें बहुत सामर्थ है a lot of और उसमें बहुत उत्साह भी है a lot of are और कई बार हम गलती करने से बच सकते हैं और कई बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं काश कि ये बात मैं बहुत पहले से जानता आई विश आई न्यू हाउ टू कम आउट ऑफ दिस मैस यस अगो काश मैं जानता कि इस कचरे में से मैं और पहले कैसे निकल सकता था ट्राइंग टू डू थिंग्स इन आर ओन और कई बार हम अपने शक्ति में बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं एंड वी थिंक यू नो आई विश समी टोल मी और हम सोचते हैं काश किसी और ने मुझसे ये बात कही होती एंड दैट कैन हैपन इन दिस सेटिंग और इस प्रकार के सेटअप में इस ये चीजें हो सकती हैं nurture, जहां पर हम लोगों को पोषण प्रदान करते हैं उन्हें प्रशिक्षित करते हैं उन्हें सिखाते हैं so if our has that culture, so यदि हमारे कलीसिया में इस प्रकार की एक संस्कृति है ताकि हम स्वस्थ तरीके से इस काम को कर सके जस्ट इमेजिन हाउ वंडरफुल

And so we decided, I will never do this again. Enough of getting involved in people's lives. Enough of giving freedom for people to help each other. Yeah. You know, all that is over. और अब ये सब खत्म हो गया Maybe come to that कई बार हम हम इस तरह के के एक स्तर पे right. जाते हैं। और uh, uh, right. और आज और कल सेशन में हम लोग देखेंगे कि इसको सही तरीके से हम कैसे कर सकते हाउ टू और इसमें क्या ऐसी चीजें हम कर सकते हैं जिससे हम अपने को भी बचा के रखें? आप तैयार हैं? ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए जहां पर हम कहें काश कि किसी ने मुझसे किसी ने मुझे वो सलाह दी होती उस प्रकार की परिस्थिति से मैं बच सकता वी कैन है

God expects us to entrust to others. And when we do that, we raise up leaders. Right. And why do we need leaders? Right? The Bible talks about how leaders are like pillars in a house. एक घर के अंदर जो है वो एक भवन है।, है उस आधारभूत ढांचे को सामर्थ्य देते हैं you know, the, the और एक जो, एक building जो जो बिल्डिंग होती है वो उसके जो खंबे होते हैं उस उसके वजह से वो मजबूत होती है and the leaders are like pillars. और अगवे जो हैं वो उस खंबे के समान होते हैं

So which means that we need to raise up leaders. So, so when we when we nurture and uh, build up, we are raising up leaders. So The third thing that we see uh, that will happen when we nurture and mentor is that we are able to pass on the spiritual legacy टू द नेक्स्ट जेनरेशन वो तब होगी जब हम वह जो आत्मिकटेंस यू इनहेरिटेंस एक जो चीज हमें मिरास में या विरासत में मिली है उसको हम दूसरों को भी हम दूसरों को भी सौंपे टू द नेक्स्ट जेनरेशन एंड टू दक्सीडिंग जेनरेशन और वो आने वाली पीढ़ी को हम वो विरासत इफ यू टर्न एंड वर्स वन अगर आप यशाया उसका उनसठ देखेंगे 59? 59 and 21. उसका पद। माउथ okay.

So how can they be passed on if if we we do not engage meaningfully with them, साथ, साथ कदम कदम and in, in other words, these can be passed on if we would nurture and mentor and mentor coach the succeeding generation। इसका मतलब ये है कि हम तभी ऐसा कर पाएंगे जब हम आने वाली पीढ़ी को इसी तरीके से हम उनको प्रशिक्षित करेंगे उनको तैयार करेंगे और उनका पोषण करेंगे next next और जो दूसरी जो दूसरी पीढ़ी हमसे हमारे बाद आने वाली है, वो हमसे भी बेहतर तरीके से शुरुआत करेगी यू नो आई कम फ्रॉमेशउंड एक परंपरागत uh, कलिसिया से आता हूँ चर्च you know, एक बहुत ही अच्छा चर्च है

And so uh, you know, I, I remember I'm going to the children's church or the you know the children's ministry. And praise God for all the work that they did at that time. Or usame joke So there also um, we

The children are getting filled in the Holy Spirit. Uh, they are getting to know the Lord. They're about right? They are learning about covenants. They are moving in the gifts of the Spirit. Right? So they are getting a head start in life. So our ceiling has become their starting point, their flow. वो अब आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए शुरुआत का पॉइंट बन जा रहा है प्रेज गॉड प्रभु की स्तुति हो एंड जस्ट इमेजिन देयर सीलिंग अब आप कल्पना कीजिए कि वे कहां तक ऊपर उठ जाएंगे हाउ मच दे कैन गो इन गॉड वे परमेश्वर में कितना आगे बढ़ जाए हाउ मच दे कैन डू किंग इतना कुछ वो परमेश्वर के राज्य के लिए कर पाएंगे बिल्ड अ पीपल जब हम आत्मिक रूप से लोगो को पोषण प्रदान करते हैं उनको हम तैयार करते हैं वी आर इंटेंसली पासिंग ऑन द लेग

Uh, सहायता करें कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं, उनको तैयार कर सकूं, uh, उनको पोषण प्रदान कर सकूं। people, और हम लोगों को तैयार कर सकेंस इन दास्ट और मेरा अनुभव बीते समय में चाहे कैसा भी क्यों ना होन डू इट वेल डू इट राइट प्रभु आज से मेरी सहायता कीजिए कि मैं उसको सही तरीके से कर सकता मैं अपना हृदय आपके सामने लेके आता हूँ थैंक यू लॉर्ड धन्यवाद Father, we, we give ourselves into your hands right now, Lord. And you are the potter and you're fashioning us. You're making something beautiful out of our lives. So that we can carry this great treasure in this earthen vessel.

Amen.